पंजाब फूड अथॉरिटी पीएफए ने लाहौर के कसूर रोड पर वाके दूध के यूनिट पर छापा मारकर लाशों को महफूज करने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल इस्तेमाल करने पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एफआईआर में 7 दीगर अफराद को नामजद किया है। पीएफए ने इंकशाफ किया कि लाहौर के शहरियों को दूध के नाम पर सफेद जहर दिया जा रहा था। फूड अथॉरिटी ने 12,600 लीटर दूध और 32 लीटर तेल और केमिकल बरामद कर लिया। पीएफए की शिकायत पर 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और एक को पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 खाने की हिफाजत और मेयारात फराहम करने के एक एक्ट की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक इस यूनिट से रोजाना 20,000 लीटर मुजर सेहत दूध फराहम किया जाता था। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज ने कहा कि सफेद महलूल कैंसर जैसी बीमारी का बाइस बन सकता है। उन्होंने खबरदार किया कि किसी को भी इंसानी सेहत से खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कौन सा सफेद महलूल खुराक के तहफ्फुज में इस्तेमाल होता है? खाने की अशिया को महफूज करने और बनाने में इस्तेमाल होने वाला एक बुनियादी सफेद महलूल फॉर्मलिन है। फॉर्मलिन फॉर्मेल्डिहाइड की एक शक्ल है जो इंसानों में कैंसर पैदा करती है। ये एक जरासीम कश दवा है जो मुर्दा जिस्मों को महफूज रखने के लिए और साइंस लेबॉरेटरियों में मुर्दा जानवरों के नमूनों को महफूज करने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है।